डॉग टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डॉग टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हार्दिक त्रिपाठी, यूपी का जनपद महाराजगंज। 1971 का युद्ध को कौन भूल सकता है। 1971 का युद्ध के आज 50 साल पूरे हो गए। इस युद्ध के बाद बांग्लादेश एक देश के रूप में अस्तित्व में आया था और भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराने में भारत की विजय को याद रखने के लिए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। विजय दिवस के अवसर पर आज नौतनवा नगर पालिका अध्यक्ष गुड्डू खान ने नगर के छपवा शहीद स्मारक पहुंचकर 1971 की युद्ध के नायकों को अमर ज्योति स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित कर याद किया और शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि सन 1971 की युद्ध के नायकों के शौर्य को नमन करते हुए मैं भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत की भारतवासियों को बधाई देता हूँ। आज उसकी ही देन है कि हमारा कोई भी पड़ोसी हमारी तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचता है। इस अवसर पर चौकी प्रभारी प्रवीण सिंह, गौरव यादव, शहनवाज खान, बंटी पांडे, राजेश बॉयड, ब्रिजेश मणि त्रिपाठी, संजय पांडे, प्रमोद पाठक, राजकुमार गौर, रमाशंकर सिंह, सरदार रंपी सिंह, अरसलान खान आदि लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट। भारत की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। डॉग टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।